हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पोको एक्स टू के एक और नया स्टेबल अपडेट के बारे में। गाइस, इस अपडेट का इंतज़ार बहुत दिनों से था, लेकिन फाइनली पोको एक्स टू को ये अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आखिर ये अपडेट कौन सा है और क्या क्या फीचर्स हमें इस अपडेट में देखने को मिलता है। तो गाइस, यहाँ पर जाएंगे अबाउट फोन में, सिस्टम अपडेट में, तो आप यहाँ पर इसका वर्जन देख सकते हैं, MIUI 11.0.11.0 ये स्टेबल अपडेट है जो कि पोको एक्स टू को मिलना शुरू हुआ है। अगर आपके फ़ोन को नहीं मिला है तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइस, बात करें इसके नए फीचर्स के बारे में, उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नए फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं फिर से अबाउट फोन में, सिस्टम अपडेट में, और उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स में व्हाट्स न्यू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका नया फीचर्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जून का सिक्योरिटी पैच दे दिया गया है। हालांकि अभी चल रहा है जुलाई, और पिछली बार जो सिक्योरिटी पैच था वो था अप्रैल का, यानी कि एक महीने के बाद ये दूसरे महीने में इसका सिक्योरिटी पैच मिला है, लेकिन फिर भी एक महीना लेट है। तो यहाँ पर फिलहाल ये ठीक ठाक ही है, और सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जुलाई का सिक्योरिटी पैच होता तो काफ़ी अच्छा होता। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में जो 64 मेगापिक्सल आप हम लोग लेते थे, कैप्चर करते थे फोटोज़ को, यहाँ पर प्रोसेसिंग में काफ़ी कुछ टाइम लग रहा है पहले की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग हो रहा है फ़ोटो, हम लोग फिर से बैक जाते हैं, एक फ़ोटो को और क्लिक करते हैं 64 मेगापिक्सल में, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, इसको अपडेट कर दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनाया गया है, और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर फीचर्स भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल MIUI 12 की तरह हमें सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। उसके साथ गाइस, यहाँ पर UI काफ़ी फास्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फास्ट हुआ है UI में, क्योंकि सिक्योरिटी पैच जो है वो बिल्कुल नया है, यानी पिछले महीने का ही सिक्योरिटी पैच है। उसके अलावा गाइस, मुझे कुछ भी नहीं मिला, चाहे यहाँ पर बात करें गैलरी की या कहीं पर, मुझे कुछ भी नया नहीं मिला इस अपडेट में। हालाँकि ये अपडेट ओनली 173 MB का ही था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज क्या इस वीडियो को आप पसंद करते होंगे, तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू। अभी मैं खेत में बैठा हूँ, खेत में हरियाली दिखाऊं, देखो हरियाली।